मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, काफ़ी अरसे के बाद मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला, काफ़ी समय के बाद मैंने समय निकाला कि आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर के आऊँ। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मैं अपने बिज़नेस को, अपने वर्क को लेकर के बहुत बिज़ी रहता हूँ, और अभी ये जो सेकेंड वेव ठीक हुआ है भगवान की दया से, अभी बहुत कम प्रॉब्लम है कोविड को लेकर के इंडिया में, तो मार्केट की कंडीशन डेफिनेटली अच्छी होती जा रही है धीरे धीरे, और उम्मीद करता हूँ ऐसा रहेगा भी। तो इसमें मैं काफ़ी बिज़ी हो गया था। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक है ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे आज से नहीं, सालों से लोगों ने कहा है कि राज सर आप इस टॉपिक पे कभी कुछ बोलते क्यों नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ, कि क्या ये एग्जिस्ट करता है या सिर्फ किस्से कहानियों में है, इसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो रिकार्नेशन है, पुनर्जन्म की बात, ये आज से नहीं हज़ारों हज़ारों साल से एग्जिस्ट करता है। स्पेशली इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन हुआ इंडिया से, ठीक है। वैदिक एरा में ये बात मानी जाती थी, यानी इसका कोई प्रूफ नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं, जो वैदिक धर्म था उसमें पुनर्जन्म का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते थे। आफ्टर लाइफ मतलब मरने के बाद जो पावर होती है, जिसको भूत प्रेत आप कहते हैं, उस पर वो बिलीव करते थे, लेकिन पुनर्जन्म पर बिलीव नहीं करते थे। अब चूंकि टॉपिक में मुझे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना है, इसीलिए जो एक्यूरेट बातें हैं उसको मैंने इस पर लिख भी रखी है, क्योंकि इतना तो मैं ऐसे बोल नहीं पाऊँगा। मेरे सामने में वो जो स्लाइड करता है ऑटो टेक्स्ट, वो है नहीं, ऐसा कोई स्क्रीन नहीं है मेरे सामने इस वक्त। चलिए बात शुरू करते हैं। पुनर्जन्म, रिकार्नेशन, जो भी धर्म इसको मानते हैं, जो भी धर्म के लोग मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, मतलब दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ लोग मानते तो हैं, नो डाउट। ये मानते हैं कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो आत्मा एक शरीर तलाशती है और वो किसी और फॉर्म में जन्म ले सकती है, या तो इंसान के फॉर्म में या किसी जानवर के फॉर्म में। अच्छा, कई कल्चर में तो इसके बारे में ये तक कहा जाता है कि इंसान और जानवर वाली बात तो हम जानते हैं, इंडिया में प्रिवेल करता है, इंडिया में इंडियंस बात करते हैं इसकी, लेकिन कई कल्चर्स में, खास के साउथ अमेरिका के जो ट्राइबल लोग हैं, वो ये भी बिलीव करते हैं कि पेड़ के फॉर्म में भी किसी की लाइफ, किसी के मरने के बाद वो पेड़ के फॉर्म में भी दोबारा पुनर्जन्म ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि लाइफ अगर एक बार ख़त्म हो जाती है तो ये पॉसिबिलिटी है। इसको ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स भी कहते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मतलब एक बॉडी से एक सोल, एक आत्मा चली गई तो वो दूसरे बॉडी में जा सकती है, मतलब उसका पुनर्जन्म हो सकता है। देखिए, सुनने में तो थोड़ा सबको अटपटा सा लगता है ये, और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी इतना बड़ा एक्सपर्ट है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, पैरासाइकोलॉजिस्ट हो या काफ़ी जो लोग ज्ञान रखते हो, इस पर कोई 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि पढ़ाई लिखाई, विज्ञान, इंजीनियरिंग, इसके नाम पे किसी भी चीज़ को सिर्फ नकार देना, मैं इसको बेवकूफ़ी समझता हूँ। कि ठीक है भाई, आपने पढ़ लिया, आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपने डॉक्टर की डिग्री ले ली, MBBS बन गए, लेकिन आपसे अगर किसी ने बात की पुनर्जन्म क्या होता है क्या, और आपने सीधा ही उसको कह दिया पागल कहीं का, ऐसा होता है क्या, ये सब पुरानी बातें, नहीं होता है या नहीं होता है ये तो इतनी आसानी से कोई नहीं कह सकता। हाँ, सुनने की क्षमता ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक उसका डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, तब कभी आपको समझ में नहीं आने वाली है ये बात। अब दो कम्युनिटी की मैं बात करता हूँ, एक क्रिश्चियनिटी और एक इस्लाम। इनका हमेशा से व्यू अलग रहा है पुनर्जन्म को लेकर के, कि ये मानते थे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ऐसा नहीं होता है। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि आज का जो मेसोपोटामिया है, सॉरी आज का जो ईरान इराक है, पहले मेसोपोटामिया हुआ करता था, वहाँ के लोगों का भी बिलीफ होता था कि हाँ पुनर्जन्म एग्जिस्ट करता है, पुनर्जन्म होता है, जो आज का ईरान इराक सीरिया है उसकी बात कर रहा हूँ। इस्लाम के फैलने के बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे कट्टर शासक आए थे इस्लाम में, इस्लाम का वो शुरुआती दौर था,
उन्होंने क्या किया कि जो इस तरह के लोग बात करते थे या कहते थे कि हाँ ऐसा होता है और प्रचार प्रसार भी करते थे, तो उनको वो लोग सज़ा देते थे। खैर ये सब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसके आगे और जाऊंगा क्या हुआ नहीं हुआ। अब रही बात क्रिश्चियनिटी की, क्रिश्चियनिटी इस बात को नहीं मानता है, मतलब एज़ पर उनके रिलीजन जाएं तो क्रिश्चियनिटी इस बात को नहीं मानती है कि पुनर्जन्म पॉसिबल है। लेकिन 2009 में एक सर्वे हुआ था अमेरिका में, 22% लोगों का कहना था, 22% लोगों का ये सोच था कि नहीं पुनर्जन्म होता, रिकार्नेशन पॉसिबल है। उनके अपने एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने कुछ ऐसे केसेस देखे फील्ड में जो कि उनके समझ से परे था, तो उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि नहीं ये पुनर्जन्म का मामला है। अब चलिए अब ये भी बात बता रहा हूँ कि मैं वकार राज बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन, बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मेरे जैसा बंदा अगर बात करे पुनर्जन्म को लेकर के, बहुत सारे लोगों का बोलना लाजमी है कि ये अंधविश्वास फैला रहा है। भाई ऐसे बोलते भाई तू तो पढ़ा लिखा होकर के अंधविश्वास फैला रहा है। नहीं, देखिए आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो गूगल कर लेना। सॉक्रेट्स का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा। प्लेटो और सॉक्रेट्स की बात मैं नहीं करूँगा, मैं पाइथागोरस की बात करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लिखने वाले, ठीक है, मैं पाइथागोरस की बात करूँगा जिसने पाइथागोरस थ्योरम लिखा था, जिसके ऊपर पूरी ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड है, और ट्रिगोनोमेट्री बच्चे बच्चे जानते हैं, वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। उनका बिलीव था कि रिकार्नेशन एग्जिस्ट करता है, पुनर्जन्म होता है। देखिए अभी भी हम कुछ नहीं जान पाए हैं पैरानॉर्मल को लेकर कर, इन बातों को लेकर के सब सैटेलाइट से कोई वायरलेस लिंक धरती तक आ जाती है और हम किसी की वीडियो देख लेते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा स्मार्ट मैं नहीं कह सकता हूँ कि हम सब बहुत स्मार्ट हो गए, हम सब कुछ जानते हैं, नहीं, शायद हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि इस विषय पर भी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो चीज़ क्लियर नहीं है लोग उसका फ़ायदा उठा करके भोले भाले मासूम लोगों को एक तरीके से आप यूज़ कर लेते हैं पैसे से, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरी ये थ्योरी है पुनर्जन्म को लेकर, मैं अपने बारे भी कुछ बताऊंगा पुनर्जन्म को लेकर के, जो मेरी क्या फीलिंग है, मेरी क्या फीलिंग है, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हो चुका है ये, मैं आपको बताऊँगा। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बात अलग है, क्योंकि ये दोनों जो है मॉडर्न रिलीजन है, इनको मॉडर्न रिलीजन कहा जाता है, तो ये हो सकता है इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे कि पुनर्जन्म होता है। मैं भी पक्के तौर पे नहीं कह रहा हूँ कि हाँ होता है, लेकिन हाँ बातें करना ज़रूरी है। आप कभी भी मत ऐसा सोचिएगा कि आप पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं और आपके सामने कोई बहुत पढ़ा लिखा MBA BBA MBBS या डॉक्टरेट है, तो आप को अपने आप में हीन भावना हो कि अरे कहीं मुझे ये गंवार तो नहीं समझेगा। बिल्कुल नहीं, आप बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं उससे। क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए आपके पास फैक्ट्स चाहिए, आपको थोड़ी सी समझ चाहिए। सीधी सी बात मैं ये बताता हूँ, अपने बारे बता रहा हूँ। देखिए आप सबके साथ तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि आप सब लोगों ने सपने में तो एक ऐसा जगह ज़रूर देखा होगा जिसके बारे आप जानते नहीं हैं, और कई लोग तो बार बार देखते हैं, बहुत टाइम तक देखते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था बचपना से लेकर के टीन एज तक, मैं एक जगह को बार बार देखता था एक जगह को। मैं वो पहाड़ी सी जगह थी, उसके बाद सिंगल जैसे रोड होता है, फिर एक वाइट सा बस दिखता था, और उससे थोड़ा हट करके एक फील्ड था, वहाँ पे बड़ा सा कुआं दिखता था, और बार बार मुझे ये सपना आता था। जब मैं टीनेज में आया, 11th 12th में आया, तो मैंने अपने दोस्तों को बताया, तो उस वक्त एक मूवी आई हुई थी करण अर्जुन शाहरुख सलमान की, तो उन्होंने मजाक से कहा बेटा तेरा तो लगता है पुनर्जन्म हुआ है। खैर फिर अपने लाइफ स्ट्रगल में लग गए स्कूलिंग के बाद, जो जैसे सबके साथ होता है। काफ़ी सालों बाद मैंने मॉम को जब ये बात बताई कि मेरे साथ ऐसा होता था, तो फिर मुझे मॉम ने बताया कि बेटा तुम जो वो जगह देखते हो ना बार बार, वो जगह एग्जिस्ट करती है। किस्सा ये है कि मेरी मॉम एक टीचर हुआ करती थी कभी,
मीन्स तब मैं उनके पेट में था, पैदा नहीं हुआ था। वो टीचर हुआ करती थी और पढ़ाती भी थी और ख़ुद भी अपनी स्टडीज़ कर रही थी। वो तो बस से एक जगह से दूसरे जगह जाती थी, वहाँ पे वो एरिया आता था जो मैंने बताया, बड़ा घुमावदार पहाड़ सा था, फिर उसके बाद कुआं सा था और फील्ड सा था, और बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी वहाँ पे। तो मैंने मॉम को बताया, मॉम ने कहा हाँ बेटा ऐसी जगह है, और उनका ऑलमोस्ट सैटरडे संडे छोड़ के रोज़ का आना जाना था वहाँ से। अब ये बात देखिए कि मैं तो उनके पेट में था, मैंने देखा ही नहीं विजुअली वो चीज़, तो कैसे ऐसा हो सकता है। बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जिसको कि साइंस अभी तो नहीं सॉल्व कर पाया है, कब करेगा पता नहीं, हो सकता है 10 साल बाद करे, हो सकता है 100 साल बाद करे, या ना कर पाए। इसको मैं इससे भी रिलेट कर सकता हूँ कि कई सारे लोगों ने जिनका नियर डेथ एक्सपीरियंस रहा है, ऑलमोस्ट वो बायोलॉजिकली उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन किसी तरीके से करिश्मा हुआ और वो बच गए, अपने से कैसे सुने होंगे। उनका ये कहना था कि उन्हें ऐसा लगा कि किसी टनल की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल डार्क टनल की तरफ। कोई कहता है उनको बिल्कुल चारों तरफ रेड सा दिख रहा था। कई सारी इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और चलिए एक बात, ये जो टॉपिक है ना, ये पुनर्जन्म वाली बात, ये इतने शॉर्ट में तो ख़त्म नहीं होने वाला है। ट्रांसमाइग्रेशन, एक सोल से मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, साफ सी बात मैं जानता हूँ, दुनिया में जितने सारे जो डॉल्स होते हैं उनको काफ़ी हॉन्टेड माना जाता है, क्योंकि उनके भी दो आँख होते हैं, नाक होता है, कान होता है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि डॉल्स में वो आत्मा या भूत जिसको आप कहते हैं, वो घुसना चाहती है, फिर से लाइफ पाना चाहती है। एनीवे, एज ए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मैं ये बोलूँगा कि हम इसे ट्रिगर ऑब्जेक्ट कहते हैं, खास के डॉल्स और टॉयज, इससे बच्चों की स्पिरिट ही अट्रैक्टेड होती है हमारे हिसाब से। आपने कभी सोचा है कि कोई लेडी, कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो क्यों उसको कहा जाता है कि इस तरह की जगह पे मत जाओ, मतलब हॉन्टेड, रात में इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, काफ़ी केयरफुल रहो, क्यों कहा जाता है? ज़्यादातर लोगों का, मुझे जो लगता है, ये डर होता है, क्योंकि एक तो एक थ्योरी, एक स्टडी तो ये भी कहती है कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है, जब बच्चा दुनिया में आता है, उस वक्त शायद ये जो पावर है, भूत प्रेत आत्मा, इनके लिए हो सकता है थोड़ा ईजी हो जाता हो, अगर ये पुनर्जन्म नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है तो। देखिए मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, नहीं जी ये तो बकवास है, तो ये भी मैं नहीं कह सकता, मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर जो स्टोरीज़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, बहुत सारे स्टोरीज़, वो भी रिलायबल सोर्सेज से मेरे पास कुछ स्टडीज़ आए हैं, केस स्टडीज़ हैं, अगर आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। कुछ ऐसे स्टोरीज़ का मैंने अध्ययन किया है, थोड़ा रिसर्च किया है, जिस पे किसी का मर्डर हो गया है और उसके बाद वो पुनर्जन्म मतलब लेकर के दूसरी लाइफ लेकर के उसने किलर को कानून के शिकंजे में फंसवाया है। ठीक है, देखिए आप बिलीव करते हो तब तो भगवान भी हैं, ठीक है जी, अल्लाह भी हैं, नहीं करते हो तो भाई वो पत्थर हैं, नहीं करते हो भाई कुछ नहीं है। बड़ा कन्वीनियंटली लोग बोल के निकल जाते हैं, अरे भूत प्रेत तो ऐसा है वैसा, ये सब तो बकवास है, पागल बना रहे हो। शादी होती है तो ज़्यादातर लोगों की जन्म पत्री से मिलाप होता है, उसके बाद शादी होती है और वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होती है। एस्ट्रोलॉजी को भी सूडो साइंस कहा जाता है, सूडो साइंस। पैरा को भी सूडो साइंस कहा जाता है, बट पैरा वालों से इतना सौतेला व्यवहार क्यों, पागल क्यों होते हैं? बट पैरा वाले पागल ही सबको लगते हैं क्या? देखिए हाँ, गलत दिखाने का उसका भी मैं आपको सपोर्ट नहीं करता हूँ कि बहुत आजकल काफ़ी भागदौड़ हो रहा है पैरा को लेकर के, लोगों को काफ़ी अटैक आता है हर वीडियो में, लेकिन दूसरी वीडियो भी करने चले जाते हैं, ये मेरे समझ से भी थोड़ा बाहर है। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मैंने एक वीडियो की थी, उस पर काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। अब मुझे सिद्धार्थ शुक्ला
जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई, उसको लेकर के कुछ लोग कह रहे थे कि सर कुछ कम्युनिकेशन उस तरह का सेटअप करो जैसे आपने SSR के लिए किया था। देखिए, एक तो गारंटी नहीं है कि हाँ वो हो जाएगा जो मैंने SSR के लिए किया था, क्योंकि इस टाइम तो मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, मैं रांची में अपने होम टाउन में हूँ। कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा ये तो बहुत ही एक अलग सी बात है। आप 90% मान के चलो कि जल्दी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं होती, और मैंने कभी नहीं कहा है कि मैंने SSR से कम्युनिकेट किया है, किसी भी वीडियो में नहीं कहा है, जाके उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा। ना मैं ये कहूँगा कि हाँ जी मैं तो सिद्धार्थ शुक्ला जी के भी सोल से बात कर लूँगा, ना ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मेरा मेथड ही बिल्कुल अलग है जिसको चैनलिंग कहते हैं। लेकिन वो वीडियो मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि देखिए एक दाग नहीं लगाना चाहता अपने ऊपर कि किसी भी फेमस पर्सनालिटी की डेथ होती है और ये बंदा के 2 मीटर ये मीटर वो मीटर लेकर अपनी दुकान खोल करके बैठ जाता है यूट्यूब से अर्निंग के लिए। अगर यूट्यूब में मुझे अर्न करना है या नहीं भी करना है, चलिए अर्न करना भी है, तो पैरा के लिए बहुत से टॉपिक्स हैं, क्यों इतने सेंसिटिव टॉपिक को पकड़ूँ मैं, बताइए। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उनके फैंस हैं, मैं उनके बातों को समझ रहा हूँ, वो चाहते हैं कि हाँ उनकी डेथ कैसे हुई है कुछ तो पता लगे। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं इसमें, कुछ भी कर लूँ प्रोसेस रिवर्स तो नहीं हो सकता, शुक्ला भाई वापस तो नहीं आएंगे। मुझे यही कहना था और यही रीज़न था कि मैं नहीं कर रहा हूँ वीडियो, या मैंने कोशिश भी नहीं की। आज के टॉपिक पे आपको अगर लगे कि मुझे फर्दर वीडियोस करना चाहिए पुनर्जन्म रिकार्नेशन को लेके विथ केस स्टडीज एंड सम ऑफ द इंसिडेंट्स विच हैज़ बीन ब्रॉडली हाईलाइटेड अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, तो आप बोलिएगा, मैं ज़रूर करूँगा। और मैं सिर्फ ऐसे पढ़कर नहीं करता हूँ, मैं रिसर्च के ऊपर भी रिसर्च करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो जो आर्टिकल या कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मेरे तक आया है पहले उसकी क्रेडिबिलिटी को देखूँ वो कितना एक्रेडिटेड है। तो आज के लिए इतना ही, आज सब आप सबको गुड नाइट बोलता हूँ और सबको छठ की शुभकामनाएं। आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।